अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो कोई हमारी स्टोरी टॉपिक पे नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में 3 वीर शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के 2-2 हाथ करते हुए भारत के 3 वीर शहीद हो गए हैं। खास बात है कि ये तीनों शादीशुदा थे। किसी का मासूम बच्चा घर पर पिता का इंतजार कर रहा था, तो एक घर में हाल ही में रक्षाबंधन पर बहनों ने अपने इकलौते भाई को याद किया था। आलम यह है कि एक शहीद के घर पर अभी तक उसकी पत्नी को जानकारी तक भी नहीं दी गई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों को कार्रवाई जारी कर दी गई है। दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में सेना के 2 अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह और बटालियन कमांडर मेजर आशीष धोनैक और DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए हैं। अब जानते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। कर्नल मनप्रीत की पत्नी को पति की दहशत के बारे में अभी तक भी नहीं बताया गया है। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन इन लीडर कर्नल मनप्रीत सिंह थे। वह सेना के राष्ट्रीय राइफल यूनिटी के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। खास बात है कि अब तक पेशे के शैक्षिक उनकी पत्नी जगमीत कौर के पति की दहशत की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ यह ही बताया गया है कि वे अभी सिर्फ फिलहाल घायल हुए हैं। उनके घर पर एक 6 साल का बेटा और 2 साल की एक मासूम बेटी भी है। सभी फिलहाल अपने नाना नानी के घर पर रहते हैं और कर्नल मनप्रीत पंचकुला सेक्टर 26 के रहने वाले हैं। 3 बहनों से छीन गया इकलौता भाई मेजर आशीष धोनैक 3 बहनों के बीच इकलौते भाई थे। उन्हें इस साल इस सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 2 साल पहले ही पोस्टिंग पर मेरठ से जम्मू कश्मीर आए थे। हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाले मेजर धोनैक के घर पर एक 2 साल की बेटी भी है। फिलहाल उनका पूरा पानीपत के सेक्टर 7 में ही रहता है। खून बह गया, लेकिन हुमायूं भट्ट का हौसला नहीं टूटा। पिता IG पद से रिटायर हुए। 2 महीने की बेटी प्रोफेसर पत्नी ऐसा है अनंतनाग में शहीद होने वाले DSP हुमायूं भट्ट का परिवार, जिन्हें घायल होने के बाद ज्यादा खून बह जाने के चलते उनकी जान गंवानी पड़ी। पुलवामा जिले के यह परिवार हुमहमा इलाके में एक कॉलोनी में रहता है। बुधवार शाम भट्ट का शव जब तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा, तो पत्नी और बेटी को गोद में ले हुए बैठी थी और भट्ट की दहशत पर गर्व कर रही थी। खबर यह मिली है कि लोगों ने उनके जनाजे पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उनकी अंतिम यात्रा को कुशल मंगल पूर्वक अंतिम यात्रा को समाप्त किया गया। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। जय हिंद।